प्रतापगढ़ शहर के कृष्णा रिसोर्ट में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की बैठक संपन्न हुई है। यहाँ बैठक में मुख्य अतिथि देवेंद्र राठौर, प्रदेश अध्यक्ष जनसंख्या समाधान फाउंडेशन एवं महिला विंग की सुनीता मांडावत रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राठौर ने कहा कि फाउंडेशन के लक्ष्य जनसंख्या कानून लागू किए जाने को लेकर हैं, जहां देश में एक तरफ राष्ट्र विरोधी ताकतें लोगों में ऊंच नीच की भावनाएं भड़काने का प्रयास कर रही है, साथ ही धर्मांतरण को बढ़ावा देकर राष्ट्र को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं देश में रोजाना नई नई चुनौतियों का सामना देखने को मिल रहा है। महिला विंग की श्रीमती मांडावत ने अपनी बात रखते हुए कहा कि बढ़ती जनसंख्या घोर चिंता का विषय है। सीमित संसाधनों के चलते जनसंख्या विस्फोट राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है। हम जनसंख्या कानून को लागू करने को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। साथ ही आगामी दिनों में जिला मुख्यालय पर उपवास एवं धरना प्रदर्शन कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के पश्चात जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें रवि जोशी जिलाध्यक्ष एवं अजय सिंह आजना जिला संयोजक सहित पदाधिकारी बनाए गए। वहीं यहाँ पर इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश कार्यकारिणी के प्रदीप उपाध्याय भी मौजूद रहे। यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के पश्चात जिला कार्यकारिणी की विधिवत रूप से घोषणा की गई, जिसमें रवि जोशी जिलाध्यक्ष, अजय सिंह आन्ना जिला संयोजक, विष्णु कुमावत जिला संगठन मंत्री एवं जिला महासचिव के पद पर मनोज हिंदू, दशरथ दास, चंद्रवीर सिंह, विक्रम गुजर एवं जिला कोषाध्यक्ष के पद पर अमित नागर, जिला उपाध्यक्ष आनंद गुजर और शांतिलाल मीणा, राजेश कुमावत, हंसराज राणावत, जिला बौद्धिक प्रमुख तरुण दास बैरागी, नीलकमल सेन जिला सूचना प्रमुख, जिला व्यवस्था प्रबंधन प्रमुख मदन अंजना, दीपक शाह जिला मीडिया प्रमुख, कुलदीप लोहार जिला सोशल मीडिया प्रमुख, रामचंद्र सेन जिला लेखा परीक्षक, ईश्वरलाल मीणा जिला सह संयोजक, विकास शर्मा जिला सह संयोजक एवं प्रतीक शर्मा, विशाल मारवाड़ी, अशोक गुजर, संजू इंडियन को जिला महासह सचिव नियुक्त किया गया। कार्यक्रम का संचालन ईश्वर मीणा द्वारा किया गया। उद्बोधन फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय एवं आभार रवि जोशी द्वारा व्यक्त किया गया। बैठक में सभापति रामकन्या गुजर, किरण बत्रा, गोपाल कुमावत, गजेंद्र चंडालिया, टिंकू बत्रा, अजय सिंह आयना सहित कई लोगों ने भाग लिया। एक विकसित भारत, अखंड भारत, विश्व गुरु भारत के स्वप्न के साथ में आज हम पिछले कई दशकों से कार्यरत हैं। इस विकास की गति में यदि सबसे बड़ा कोई अवरुद्ध है, कोई रुकावट है, तो वो देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है। आज जहां हमारे पास में भूमि का 2.7% है और हम लगभग 18% जनसंख्या का भार ढो रहे हैं। आप सब लोगों को ज्ञात है, चारों तरफ वातावरण इस तरह का बन रखा है जहां एक चपरासी की नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकलती है तो लाखों लाखों लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, उनमें से MBA और ITI किए हुए लोग भी होते हैं। इन सब स्थितियों से बाहर निकलने के लिए, एक विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए और हर व्यक्ति को अच्छे से अच्छा संसाधन मिले, देश का विकास हो पाए, इसके लिए हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है। दूसरा पहलू अपन देखें तो तीव्र गति से जनसंख्या में असंतुलन पैदा हो रहा है। ये असंतुलन पिछले एक दशक में इस स्थिति पे पहुंच चुका है जहां हिंदुओं की संख्या लगभग 2.25% से गिर रही है, वहीं इस्लामिक जनसंख्या इस देश के अंदर 9% की तेजी से बढ़ रही है। इस असंतुलन को रोकना देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हमने पूर्व में देखा है 1947 के अंदर जब जनसंख्या का असंतुलन पैदा हुआ तो देश का विभाजन हुआ। 89-90 के उस काल को हमने सहा है जब कश्मीर से असंतुलन के कारण अनेकों पंडितों को, लगभग 5.5 लाख पंडितों को उन्हीं के देश के अंदर बेघर कर दिया गया। ऐसी स्थितियां पुनः उत्पन्न ना हो, देश के संस्कृति अखंड रहे, देश की भौगोलिक अखंडता बनी रहे, इसके लिए हमारी सबकी मांग है, हम सबकी देश की आज आवश्यकता है कि एक सख्त जनसंख्या कानून लाया जाए। आज हम सब इस मांग को लेकर बड़ा अभियान पूरे राष्ट्र में चला रहे हैं। उस अभियान के अंतर्गत प्रतापगढ़ जिले के अंदर कार्यकारिणी की रचना की गई है जो रवि जोशी जी के नेतृत्व में और महिला विंग किरण जी के नेतृत्व में पूरे प्रतापगढ़ जिले के अंदर हस्ताक्षर अभियान चलाकर इस मांग को प्रखर करेगी। हमारे देवेंद्र जी भाई साहब ने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए हमको अभी देश पूरे भारतवर्ष में ये चल रहा है, तो उसके लिए हमने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ है अभी। तो जो जनसंख्या कानून लाने के लिए आदरणीय मोदी जी साहब को बहुत इजी रहेगा, तो पूरे देश भर में प्रत्येक जिले से 1 लाख का लक्ष्य लेके चल रहे हैं।
लेकिन हमको लग रहा है कि रवि जी जोशी जी के नेतृत्व में ये 5 लाख का सफल हस्ताक्षर अभियान होगा, हम ऐसी आशा कर रहे हैं। और इसी तरह यही जो हस्ताक्षर अभियान हमारा जो अभी मेन प्रोग्राम है, ये हम 29 अप्रैल को पीएम कार्यालय के वहाँ पर ले जाकर उनके समक्ष पेश करेंगे, जिससे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब को ये कानून लाने में बहुत सहज होगा, मतलब आसानी से उस कानून को ला सकेंगे। और उससे पहले उसी बीच एक हमने और बीच में मतलब प्रदेश से हमको एक राष्ट्र से राष्ट्रीय कार्यकारिणी से एक आदेश आया हुआ है कि उस बीच मार्च महीने में हर जिला मुख्यालय पर एक हमको धरना प्रदर्शन करना है, सुबह 10 बजे से 8 घंटे का है, 4 बजे तक उसमें हम उपवास करके और ये अपने धरना प्रदर्शन करके भी हम इसको एक आयोजन को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन का जिला अध्यक्ष के नाते मैं प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के नाते आज हमारी जिला कार्यकारिणी की घोषणा होने जा रही है, उसमें माननीय प्रदेश से देवेंद्र सिंह जी भाई साहब पधारे हैं, महिला विंग की सुमन दीदी प्रदेश अध्यक्षा हमारे बीच में आए हैं, विविध संगठन और आम जन सामाजिक संगठन सभी मिलके इस जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन में जो हमें लक्ष्य ऊपर से मिला है उसकी पूरी कोशिश करेंगे, उस पर 100% हम लोग उसको पहुँचें। और प्रतापगढ़ जिले में आसपास क्षेत्र में हम जनसंख्या नियंत्रण को लेकर हस्ताक्षर अभियान को अच्छी तरीके से कार्य को करेंगे। जनसंख्या फाउंडेशन की अध्यक्ष आज चुनी गई हूँ। जैसा कि मैडम ने और भाई साहब ने आप सभी के सामने ये जनसंख्या कानून लाने की जो मांग रखी है और ये जो मांग हमें मोदी जी तक पहुँचानी है, उसमें मैं उनका पूरा सहयोग और पूरी जी जान लगा दूंगी, अपनी पूरी टीम को लगाकर, और ये मांग हम लाके रहेंगे हमारे जिले में। और जो भी जनसंख्या नियंत्रण का भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए, जो अनियंत्रण फैल रहा है उसे हमें सभी जनों को मिलके उसे नियंत्रण लाना है और इस कानून को हमारे पूरे देश में लागू करवाना है। जय हिंद, जय भारत।